चैनल और वेलकम बैक टू सतक हीरो। आज मैं बनाऊंगी एक मखीटो और उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे पुदीना है, मैंने थोड़ा सा मैश करके रख दिया है। तो और यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा कुछ बाउल टाइप्स है, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने यूज़ किया ये, लेकिन आप सिंपली एक ग्लास में भी बना सकते हो। मैंने फिर ग्लूकॉन डी लिया है, शुगर पाउडर लिया। आपको अगर और आपको नींबू चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, आपको कौन सा पानी चाहिए? ठंडा पानी अच्छा लगता है। मैं बोलना चाहती थी कि मैंने मोजिटो में, आपको पता है वर्जिन मोजिटो में स्प्राइट यूज़ होता है बनाने के लिए लिक्विड, लेकिन मेरे पास अभी स्प्राइट है नहीं। तो अगर आपके पास भी स्प्राइट है नहीं तो आप ऐसा कुछ हैक इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया आपको नींबू चाहिए, मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा नींबू लिए मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नींबू स्क्वीज कर लिया। तो सबसे पहले हमको ये आपको सबसे पहले इसको ऐसे ग्राइंड करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्राइंड कर रखा है, आपकी चॉइस है। अगर आपको स्टेम्स निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, नहीं निकालनी है तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे स्टेम्स निकाल ली है। मुझे ये ऐसे मतलब ऐसे ही पसंद है। सो ये आपको थोड़ा थोड़ा ही ग्राइंड करना है इसको, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इसके अंदर सबसे पहले डालूंगी और फिर यहाँ से मैं थोड़े बहुत पीसेस लूँगी जो ऐसे लीफ शेप में है, तो उसको ऊपर डिजाइनिंग नहीं रखा, ठीक है। एंड इससे आपको बहुत सारी न्यूट्रिशन मिलती हैं, विटामिन मिलती हैं, और मुझे आंसू मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आपको इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदेमंद है। दिस इज रियली गुड फॉर स्टमक प्रॉब्लम, मतलब जैसे अगर आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो अब तो ये मतलब सारे कीटाणु को ऐसे ख़त्म कर देता है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो हम बिगिन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ले लिया, मैंने पहले से ही ग्राइंड कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी लिया है। तो यहाँ पे हमें ग्लूकॉन डी बनाना है, नॉर्मल ग्लूकॉन डी जो हम बनाते रहते हैं। मैं इसमें क्यों बना रही हूँ, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए हमें, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, तीन लोगों के लिए चाहिए, इसलिए हमने इतना ऐसे लिया। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ग्लूकॉन डी डालूँगी ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वैसे ही पानी डाल दिया है क्योंकि मुझे लगता है ऐसी, मैंने इसके अंदर इतना सा थोड़ा अमाउंट का ग्लूकॉन डी डाल दिया है। नाउ मैं एक दूसरे चम्मच से मैं डालूँगी शुगर पाउडर, और आपके पास अगर शुगर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप मतलब नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हो। और मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं सबसे पहले ये नॉर्मल पानी डालूँगी जो नॉर्मल है, ताज़ा पानी, क्योंकि जो चीनी होती है ना वो ठंडे पानी के अंदर घुलती नहीं। इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल दिया है नॉर्मल पानी। एंड अब मैं इसको घोलूँगी, थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे घोलता है। तो मैं ऐसे बड़े चम्मच से घोल रही हूँ। हम जब नींबू पानी बनाते हैं हम कभी भी ऐसे ही घोलते हैं, आपको पता है बड़े वाले के अंदर। और नाउ अब मैं इसके अंदर डालूँगी ठंडा पानी। हम इसके अंदर नींबू डालेंगे, अच्छे से निचोड़ देना, वेस्ट मत करना नींबू को। ऐसे निचोड़ लिया है हमने, मैंने इसके अंदर ठंडा पानी वैसे ही डाल दिया। अब मैं इसके अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी मतलब आपकी पसंद हो सकती है, आपको मतलब ज़्यादा नींबू पानी नींबू नहीं पसंद होगा, सो आप अपनी मतलब आप अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो और डालो उस अमाउंट में आपको आपकी पसंद।
और अब हम इसके अंदर नींबू पानी डालने के बाद इसको हम इसके अंदर मैं सोच रही हूँ इसको एक बार वापस से घोल लूँगी। तो मैंने घोल दिया है और मैंने ये जो ग्राइंडेड मतलब थोड़ा बहुत पीसा हुआ है इस पुदीना इसके अंदर मैंने ऐसे डाल दिया। सो आपको जितना अमाउंट चाहिए आप उतना ही डालो, मैं यहाँ पे ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे पुदीना बहुत पसंद है। तो मैंने जितना किया है ग्राइंड मुझे उतना ही डालना है। तो मैंने अभी डाल दिया पुदीना, थोड़ा सा और ले रही हूँ मैं ऐसे, एंड ऐसे मैं इसको एक और बार स्पिन कर लूँगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना फ्रेश और टेस्टी है ना। अब हम इसको अपने मतलब ग्लास में पोर कर देंगे। सो मैं अभी आपको एक ही ग्लास पोर करके दिखा रही हूँ। सो इस तरह से पोर कर देंगे, यस। अब देख रहे हैं ये बहुत टेस्टी लग रहा है हमारा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। इसके ऊपर से मैं सोच रही हूँ थोड़े से मैं फ्रेश वाले पुदीना के लिए ऐसे डेकोरेशन के लिए डाल दूँ। ऐसे मैंने कुछ पत्ते डाले हैं, ये अच्छे से दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन ऐसे सुंदर लगता है। नाउ मैं इसके ऊपर एक ये डालूंगी ऐसे, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे गिर रहा है, हाँ इस तरह से आपको डाल लेना है, ठीक है। एक मिनट मैं दूसरा ट्राई करती हूँ। तो मैंने डाल दिया है और आप देख सकते हो। सो पहला सब आप लोगों के लिए, थैंक यू फॉर सिक्स मोर देन 60 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे, और मुझे अभी चेक करना पड़ेगा मेरे कितने आए हैं सब्सक्राइबर्स। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल सताक्षी रॉय। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आज है संडे और आज भी शायद हम सभी बहुत वीडियो डालेंगे, पोस्ट करेंगे जब हम बाहर जाएंगे। तो इतना ही आज के लिए और